हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इतिहास की गूंज में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंधार में, और कंधार में यहाँ पर एक ज़मीन के अंदर से शिव जी का मंदिर निकला हुआ है, जो कि खेतों के अंदर है। वही देखने के लिए हम जा रहे हैं, जो कि प्राचीन मंदिर है। तो अभी कुछ ही देर में हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पहुँच के देखेंगे शिव जी का मंदिर। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये खेत के अंदर है, और खेत का जो खोद काम चालू था तो खोद काम के दरमियान ये ज़मीन के अंदर पाया गया मंदिर है। तो अभी मैं इसके पास में पहुंच गया हूँ, जो कि खेत के अंदर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ ही देरी के ऊपर है मंदिर, थोड़ा और जाके हमें खेत के अंदर जाना है। वहाँ पे है वो शिव जी का मंदिर, तो चलिए अभी वहाँ पर जाते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी और खेत खलिहान है। सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे है मंदिर शिव जी का, महादेव जी का मंदिर। तो फ्रेंड्स, मंदिर तक जाने के लिए कोई स्पेसिफिक रास्ता नहीं है, खेत के अंदर से ही ये नैरो रास्ता है, पायवाट जिसे कहते हैं। तो यहीं से हमें अंदर जाना है। देख सकते हैं आप, गन्ने का खेत है और पास में ही मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर के पास आ चुके। तो दोस्तों, यहाँ पे मंदिर के कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर। प्राचीन काल का मंदिर, इसी सन 900 में बना हुआ और अभी मिला हुआ ये शिव मंदिर, जो कि मानसपुरी में है। 24 फरवरी 2017 को रविवार अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे ये मूर्ति मिली थी। खेती का जो सपाटीकरण किया जा रहा था, प्लेन किया जा रहा था, तभी जेसीपी को यह मंदिर का पत्थर उसके फावड़े को लगने की वजह से यहाँ पे ये मंदिर का उजागर हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो शिव मंदिर है ये कंधार तालुके के जो सब डिस्ट्रिक्ट है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर ये मंदिर मिला हुआ है, जो कि प्राचीन मंदिर है। और इतिहासकारों के हिसाब से ये मंदिर ईस्वी सन 900 का हो सकता है यादवकालीन। इस 24 फरवरी 2017 को जब यहाँ पे खेत का सपाटीकरण चालू था, यानी कि प्लेन करना चालू था, तब ये जेसीपी है उसके फावड़े को इसका पत्थर लगने से ये उजागर हुआ है कि यहाँ पे मंदिर है। बाद में खोद कर देखा गया तो यहाँ पे ज़मीन के अंदर पूरा मंदिर निकला हुआ है महादेव जी का, जो कि यादवकालीन है। और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पे, और ये जो शिवलिंग है ये चौकोनी है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि महादेव जी का जो पिंड है यह चौकोनी है। जनरली हम देखते हैं कोई भी महादेव जी के मंदिर में तो जो पिंड होती है वो गोल होती है, लेकिन ये जो पिंड है ये चौकोनी है और बहुत ही खूबसूरत है। तो इसे भी हम देखने वाले हैं अंदर जाके, जो कि ज़मीन से 6 फीट नीचे है ये मंदिर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम मंदिर के अंदर आ गए। दोस्तों, ये जो मंदिर है 2017 में यहाँ पे इसका पता चला है कि यहाँ पे मंदिर था। यहाँ पे खेत जो है, खेत को सपाट कर रहे थे जेसीपी से, तो जेसीपी को पत्थर लगा। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये पत्थर जेसीपी को लगने की वजह से आवाज़ है, और फिर बाद में इसको खोदते गए, और खोदने के बाद देखे तो ये महादेव जी का मंदिर यहाँ पे निकला है, जो कि यादवकालीन है। और इतिहासकारों के हिसाब से ये मंदिर ईस्वी सन 900 का हो सकता है यादवकालीन, जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये ज़मीन से 6 फीट नीचे है ये मंदिर, नीचे है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का स्ट्रक्चर, जो कि पत्थर में बना हुआ है ये मंदिर, जो कि ज़मीन के नीचे है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये टोटली पत्थर में बना हुआ है। मंदिर के अंदर लाइट नहीं होने की वजह से काफी अंधेरा रहता है, तो हमें अभी मोबाइल का टॉर्च जलाकर आपको ये जो पिंड है वो दिखाना है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर संत बसवेश्वर महाराज की एक फोटो रखी हुई है, और आप ये देख सकते हैं भोलेनाथ के पिंड, जो कि बहुत खूबसूरत है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो पिंड है ये चौकोनी है, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे हमारे भारत देश में, चौकोनी पिंड महादेव जी की। जनरली हमें महादेव जी के मंदिर में गोल पिंड ही देखने को मिलती है, लेकिन ये जो पिंड है ये चौकोनी पिंड है। इतिहासकारों का मानना है कि ये यादवकालीन मंदिर है,
और ये जो पेंट है ये चौकोनी है, बहुत ही खूबसूरत है। अंधेरा होने के कारण से ये ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जितनी भी दिखाई दे रही है बहुत ही खूबसूरत है ये चौकोन महादेव जी की पेंट। मंदिर का जो भी कंस्ट्रक्शन है ये टोटली पत्थर में है और पत्थरों का मंदिर बना हुआ है ये, जो कि जमीन के नीचे है। बहुत ही खूबसूरत महादेव जी का मंदिर जो कि कंधार के मानसपुरी गांव में है। देख सकते हैं आप दोस्तों, 1000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर जो कि जमीन के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन है इस मंदिर का, जो कि पत्थर में बना हुआ है टोटली। और देख सकते हैं कि ये 6 फीट जमीन के नीचे है ये मंदिर। दोस्तों ये है मंदिर के पीछे का भाग, देख सकते हैं कि ये पत्थर है। हरिया वाला जो है ये मंदिर है यहाँ पे। ये जमीन का सपाट भाग है और पहले यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ढिगार था, ऐसा ही ढिगार साफ करते टाइम जेसीपी से, जेसीपी का जो फावड़ा है, फावड़े को ये पत्थर लगा था, जिससे इस मंदिर का पता चला है कि जमीन के अंदर यहाँ पर मंदिर है बोलकर। देख सकते हैं इसके चारों ओर आपको पहाड़ और खेती दिखाई देंगे।